हेलो दोस्तों, फाइनली हीरो एक्सट्रीम 160R इंडिया में लॉन्च हो चुकी है 99,950 रुपीज़ के प्राइसिंग के साथ। और इस वीडियो में आपको कंपैरिजन और पूरा डिटेल देंगे कि क्या आपको इस बाइक को कंसीडर करना चाहिए ओवर द कंपटीशन। और चलिए वीडियो स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं। वीडियो में आपको बताएंगे कि हीरो एक्सट्रीम 160R आपको लेनी चाहिए कि नहीं ओवर पल्सर अपाची। उसका पूरा रिव्यू रहेगा, सभी पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इस बाइक के रिगार्डिंग। पॉजिटिव से स्टार्ट करें तो इसका इंजन इस बार पावरफुल होने वाला है। सच में 160cc का इंजन रहेगा और 15.2 PS की पावर देखने को मिलेगी 8000 RPM पे, और 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा 6500 RPM पे। इस बार इसका इंजन सच में पावरफुल रहने वाला है और 0 to 60 km पर आवर सिर्फ 4.7 सेकंड्स में चल जाएगी, विच इज इवन बेटर देन अपाची RTR। तो इस बार इसका इंजन काफी अच्छा रहेगा, आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा, ये गारंटीड है। बाकी बात करें इसके लाइट्स की तो काफी अच्छा है, यहाँ पे LED सेटअप पूरी तरह से LED देखने को मिलता है। हेडलाइट से लेकर टेल लाइट से लेकर इंडिकेटर से लेकर सभी चीज़ आपको LED देखने को मिलता है, जो काफी जरूरत पड़ता है और आपका विजिबिलिटी काफी बढ़ाता है। और अगर आप LED जलाते हैं तो एक अलग सी फील आपको देखने को मिलती है इन द रोड्स। तीसरा बात करें तो यहाँ आपका जो सीट वेट है वो अच्छी ही होने वाली है, मतलब 802 mm की सीट वेट आपको देखने को मिल सकती है और ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक रहेगा। तो ये आपको स्पोर्टी तो रहेगा ही, साथ में आपको काफ़ी अच्छा मतलब कोई भी कंफर्ट में भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। चौथा चीज़ बात करें तो इस बार इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, आप अभी आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं क्या ये बेटर है कि नहीं। इसका डिज़ाइन अभी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, पूरी तरह से स्पोर्टी लुक के साथ आती है। नेक्स्ट चीज़ बात करें तो इसका जो आपको किक और सेल्फ स्टार्ट दोनों देखने को मिलेगा, जो कुछ गाड़ीज में मिसिंग है, लेकिन इसमें आपको जरूर से देखने को मिलेगा, जो काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ आपका सेफ्टी पे भी ठीक ठाक ध्यान रखा गया, आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलेगा। साथ में आपको ब्रेक का साइज 276 mm फ्रंट और 220 mm रियर में देखने को मिलेगा, डुअल डिस्क और सिंगल डिस्क के साथ भी आएगी। और व्हील बेस भी इसका ठीक ठाक 1334 mm का है, तो ब्रेकिंग भी आपको ठीक देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर इंस्ट्रूमेंटल कंसोल की बात करें तो इस बार आपको फुली डिजिटल देखने को मिलेगा विद लॉट ऑफ ऑप्शंस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्पीडोमीटर भी डिजिटल, टैकोमीटर, ओडोमीटर सब डिजिटल, साइड स्टैंड इंडिकेटर देखने को मिलेगा, क्लॉक देखने को मिलेगा, और जब तक लिए आप स्टैंड नहीं हटाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये सब फीचर्स इसको बनाता है फुली लोडेड 160cc बाइक, और हीरो के लिए लास्ट उम्मीद है 160cc सेगमेंट में। तो इस बार हीरो ने अच्छा काम किया एंड वी होप कि ये अच्छा बिकेगा। बात करते हैं कुछ निगेटिव्स की जो हमें इसमें देखने को मिल जाती है, जैसे कि इसका क्वालिटी, फिट और फिनिश उतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स। आप अगर 100cc का हीरो का बाइक देखें या इसका देखें तो दोनों का बटन्स वगैरह आपको इसी टाइप के देखने को मिल जाते हैं, विच इज नॉट गुड। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ आपका जो माइलेज है उसका लॉस काफी देखने को मिला था एक्सट्रीम 200R में, तो हम लोग होप करते हैं वो देखने को नहीं मिले, लेकिन मिल सकता है। नेक्स्ट बात करें तो टैंक कैपेसिटी थोड़ी कम है, 12 लीटर टू है जो 15 लीटर या 13 से 14 लीटर के बीच में होनी चाहिए थी, जो थोड़े से कम देखने को मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भरोसा, जो हीरो के 150cc सेगमेंट से बिल्कुल ही लोगों का उठ चुका है और वे लोग TVS अपाची और बजाज पल्सर सीरीज पे ही अपना मतलब लेने के लिए सोचते हैं। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हीरो को इसको सक्सेसफुल प्रोडक्ट।